नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों संसद सत्र चल रहा है और सत्र में इंडिया और एनडीए के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना पहला भाषण दिया और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने जनता के कई मुद्दे उठाए। वहीं संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना में सेना के जवानों की शहादत का हवाला देते हुए पंजाब के एक शहीद अग्निवीर का जिक्र करते हुए उनका भी मुद्दा उठाया और कहा कि उस जवान को सरकार शहीद नहीं मानती और ना ही परिवार को पेंशन और अन्य मदद मिली। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीच में खड़े हो गए और राहुल के बयान को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि उस जवान के परिवार से को हमने मदद की है। वहीं संसद में राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अग्निवीर योजना को लेकर हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद अब जाकर राहुल गांधी ने लाइव आकर ये सारी सच्चाई बयां कर दी है कि राजनाथ सिंह ने भरे सदन में झूठ बोला है। तो पहले संसद में जो तीखी नोकझोंक हुई थी वो वीडियो सुनिए, फिर उसके बाद मैं राहुल गांधी का बयान सुनवाती हूँ। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने जब कहा कि शहीद को कोई मदद नहीं दी जाती तो 1 करोड़ की बात की राजनाथ सिंह ने, लेकिन बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें वो सर्वोच्च बलिदान देने वाले अग्निवीर अजय सिंह के परिजनों से बात करते नजर आ रहे हैं। अजय सिंह के परिवार का कहना है कि केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि पंजाब सरकार ने उनकी मदद की और राहुल गांधी ने अजय सिंह के पिता से बातचीत का वीडियो भी दिखाया है। नमस्कार, संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। युवराज साहब ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज ना कोई पैसा आया। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, सदन में बैठा हंगामा कर रहे भी शहीदों के परिवारों को इन्हों की बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। तो शहीद अजय सिंह के पिता ने राहुल गांधी और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने कल जो बयान दिया कि परिवारों को 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, हमें ना कोई मैसेज आया है और ना ही कोई पैसा मिला है, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए और नियमित भर्ती होनी चाहिए, इस तरह का बयान जो है वो अग्निवीर के पिता की तरफ से दिया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि पंजाब सरकार ने उनकी मदद की है ना कि केंद्र सरकार ने। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रक्षा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर अब झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अब देखना ये होगा कि राजनाथ सिंह या सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या राजनाथ सिंह अब माफी मांगेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी सदन में कह चुके हैं कि अगर एनडीए गठबंधन देश की सत्ता में आया तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा और सेना में नियमित भर्ती होगी। सुनिए अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी की पूरी बात। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, तीन बहनें थी एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी, आम जवान को पेंशन मिलेगी। जरूर दुख होगा मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर साहब देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हम हटा देंगे।
क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है, हम इस स्कीम को नहीं चाहते।